शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हुस्ने रमज़ान के साथ मैं हूँ शकील अहमद। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, बेशक हमने आपको खुल्के अज़ीम अता किया। यानी ये वो अल्फाज हैं जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक में बयान कर दिए गए। बेशक आप अखलाक के आला दर्जे पर फ़ायज़ हैं। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारे लिए मशल राह हैं, आपके अखलाक हमारे लिए सबक हैं, आपके अखलाक हमारी रहती दुनिया तक और इस पूरी उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। हज़रत अंस से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10 साल काम किया और इन 10 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा भी मुझे उफ तक नहीं कहा। तो ये इखलाक की बहुत सारी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं नबी पाक की ज़िंदगी से। तो आज हम उन्हीं के ऊपर तज़करा करेंगे, उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक कैसे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन, इखलाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस पे तज़करा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। और उसके साथ साथ हमारे साथ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में सना ख्वान भी मौजूद हैं, मोहम्मद फरीद हुसैन साहब। फरीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आप तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, मैं ख़ुद इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्फाज नहीं है कि जिनको बयान किया जाए। इखलाक मुस्तफ़ा सुबहान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि इखलाक मुस्तफ़ा क्या है, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला जल्ला शानुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन्नका अला खुलुकिन अज़ीम। बेशक अज़ीम इखलाक है मेरे आका का, और ऐसा अज़ीम इखलाक अपने अपने क्या गैर भी मानते हैं इस चीज़ को कि मेरे आका इखलाक इतना के जिसके, और याद रखें कि दीन इखलाक के साथ ही पहला। बेशक एक वाक़या बड़ा प्यारा आता है सूरत हाल के, सहाबा एक जंग पर चले गए, वहाँ से एक कैदी लेकर आ गए, ठीक है, और वो कैदी उस कबीले का सरदार था, ठीक है, बड़ा खूबसूरत नौजवान, सही, कादावर बड़ा प्यारा। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐसा करो इसे ना मस्जिद नबी शरीफ में ले जाओ और किसी सतून के साथ इसे बांध दो। मेरे आका खुद गए उसके पास, कहा क्या हाल है तेरा सुमामा, उसका नाम समामा था, समामा क्या हाल है तुम्हारा, ठीक है। बोलने लगा, बांध के पूछते हो हाल क्या है। तो मेरे आका मुस्कुरा के फरमाने लगे, सुमामा जरा हमारे चेहरे की तरफ तो देखो। तो उसने कुछ अल्फाज अच्छे इस्तेमाल नहीं किए मेरे आका, मेरे आका फिर भी मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, सुमामा अगर मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखता तो मस्जिद नबी शरीफ की तरफ देख लिया, ठीक है। फिर उसने अल्फाज नाजेबा बोले, मेरे आका फिर मुस्कुरा पड़े। फिर मेरे आका ने फरमाया कि अगर मस्जिद नबी शरीफ की तरफ नहीं देखता तो हमारे शहर की जानिब देख ले। तो उसने फिर भी नाजेबा अल्फाज बोले। अब देखो कि सबसे बड़ा दर्स यही है हमारे लिए कि मेरे आका उससे सवाल कर रहे हैं, अब वो कैदी है, ठीक है, आपकी कैद के अंदर है जी, ताकत भी है, सब कुछ है। तो फिर वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है तो सहाबा जलाल में आ जाते हैं, हुक्म करें इसका सर कलम ना कर दे। मेरे आका ने फरमाया, नहीं इसे रहने दो। मेरे आका दूसरे दिन आते हैं, वही सवाल करते हैं, समामा वही जवाब देते हैं। जब तीसरा दिन आता है तो मेरे आका उससे वही सवाल करते हैं, लेकिन वो जवाब उसी तरह देता है जिस तरह पहले जवाब दे। तो मेरे आका मुस्कुरा के आपने फरमाया, ऐसा करो सहाबा इसे छोड़ दो, हमने इसे माफ़ कर दिया, ठीक है। हजरत समामा कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि दिन तीन दिन से मुसलसल जिनके बारे में नाजेबा अल्फाज में बोलता रहा वो इतने शफीक के उन्होंने उसको भी दरगुजर किया और मुझे माफ़ भी कर दिया और मुझे छोड़ भी दिया। सुभान। तो कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं एक दफ़ा उनका चेहरा ना देख लूँ कि वो हस्ती कौन है,
हज़रत समामा कहते हैं मैंने निगाह उठा के ना ऐसे चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, जब चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो फिर मुझे कहा गया कि आप चले। कहते हैं मेरे दिल में डर भी था कि रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा मुझे सजा दें, मैं भाग गया। कहते हैं 2 मील मैं भागता हुआ आगे चला गया। जब 2 मील आगे गया तो अब आगे जाने की कोशिश करता था, पैर पीछे की जानब निकलते थे, आगे जाने को चाहता था, दिल पीछे की जानब खींचता था। कहते मैं फिर रुक गया, मैंने रुक के ना वापस पलटा। कहते जितनी तेज़ी के साथ 2 मील मैंने सफ़र तय किया उससे कई गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ वापस मदीना शरीफ पहुँचा। और मेरे आका सहाबा सुफा अकेडमी के अंदर पढ़ा रहे थे। सुफा वो आपने देखा कि सहाबा कराम को आप दर्श दिया करते थे। मेरे आका बैठे हैं और साहबा आगे बैठे दर्श सुन रहे थे, तो हजरत समामा करीब आकर खड़े हो जाते हैं हसी आदमा। तो मेरे आका ने फरमाया समामा हमने तुझे तो माफ़ कर दिया था, तुझे आज़ाद भी कर दिया था, तो तू गया नहीं। तो हजरत समामा कहते हैं दिल जीत कर कहते हैं चला जा, दिल जीत कर कहते हैं चला जा, अब मैं जाने वाला नहीं, मुझे कलमा पढ़ाए और मुसलमान। ये है मेरे आका का अखलाक। बिल्कुल बिल्कुल, कि कितनी मेहरबानी फरमाई। कोई शक नहीं और बेशक के ना सिर्फ ये कि आपकी पूरी ज़िंदगी हमारे लिए अखलाक से भरी पड़ी है, हर एक पल के ऊपर, हर एक मोमेंट के ऊपर, हर एक नए आने वाले दिन के ऊपर उनकी जो तालीमात हैं हमारे लिए मशाल। और यहाँ पे ये दौरे हाजिर के अंदर एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखिए कि वो तो एक गैर मुस्लिम था और मेरे आका को उस वक़्त जो है वो समझे कि अभी ईमान भी नहीं लाए थे, ठीक है ना, नफ़रत थी एक किस्म की। तो मेरे आका ने उनके साथ इखलाक कितना फरमाया, प्यार कितना फरमाया। हम मुसलमान होकर मुसलमान का गला काट रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा। इस तरफ भी अलामा साहब आऊँगा क्योंकि ख़ास तौर पे हमारे माशरे के अंदर आज इस मौजू और उन्वान को लेने का मकसद ही ये है कि हमारे नबी, हम अपने नबी से उनके उम्मती हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम इखलाक की तरफ भी उनकी तरफ उस साइड पर भी हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस पर मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी आपसे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए ये बताइए कि कुरान क्या कहता है हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक के बारे में, जैसा कि आपने एक हदीस से एक आयत से भी आपने बताया, इसके अलावा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह के ऊपर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान में जिक्र किया गया उनके अखलाक के बारे में। मेरे आका के तो इखलाक के बारे में तो पूरा कुरान ही है, जिस सूरत को भी उठाएंगे वो मेरे आका का इखलाक है कि काफरों के साथ कितने मेहरबान थे। वो तो पत्थर मारते थे तो मेरे आका हाथ उठाकर दुआ करते थे, वो गालियां देते थे तो मेरे आका हाथ उठाकर दुआ देते थे, वो उनके गले में रस्सी डालते थे तो मेरे आका हाथ उठाकर उनके लिए दुआ देते थे, वो पत्थर मारते थे तो मेरे आका उनको दुआ देते थे। ये पूरा कुरान ही, मैं आपको बताता हूँ, पूरा कुरान ही मेरे आका की इखलाक की गवाही देता है। सबसे बड़ी जो चीज़ है इसमें कोई शक नहीं। और लातदाद, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लातदाद के जो आयात बेयिनात हैं वो मेरे आका के इखलाक पर। बिल्कुल सही है इलामा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि जब जिसके ऊपर कुरान नाजिल किया गया, जिनके लिए कुरान नाजिल किया गया, तो वही तालीमात ही हैं फिर जो पूरी रहती दुनिया तक वो जो है जिनको फॉलो किया जाएगा, और ख़ास तौर पे वही तालीमात हैं जो इस पूरी दुनिया तक फैलानी थी। तो यही वो अखलाक हैं, यही वो ऊंची शान है कि जिसको दुनिया के अंदर फैलाना था। आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें तो अहदीस की रोशनी में थोड़ा हमें बताएं कि जो मुख्तलिफ सहाबा कराम से रवायात हैं, मुख्तलिफ अहदीस की किताबों से हमें जो जो वाक़यात मिलते हैं, कुछ एक दो हमारे साथ शेयर करें नबी पाक के इखलाक के बारे में। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो मेरे आका ने किरदार किया ना वो सबसे बड़ी हदीस है। ये जो हम बताते हैं ना कि मेरे आका ऐसे चलते थे, मेरे आका ऐसे फिरते थे, ये हदीस है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया जिसका इखलाक सबसे आसन होगा कल क़यामत के दिन वो उतना ही मेरे करीब होगा। बेशक। और यहाँ तक फरमाया, आपने फरमाया तुम मुसलमान अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिम मिल लिसानी व यदिही, कि तुमसे मुसलमानों में मोमिनों में सबसे आला वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान मोमिन महफूज है।
ठीक है ना। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हदीस मुबारक और बड़ी अहम हदीस मुबारक है, अमाशा सदीका रदी अल्लाह ताला ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबानी फरमाए। तो मेरे आका मुस्कुरा के आपने फरमाया, आयशा मांगो क्या मांगती हो, आज जो तुम चाहोगी मैं वो अता करूँगा। ठीक है, मुतलकन फरमाया आज आयशा जो मांगोगे तुम। जी, अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान से पूछ कर ना बता दो, उनसे मशवरा कर दो, कहीं कोई गलत चीज़ ना ऐसा इंतखाब ना कर बैठूँ, मैं अब्बा जान से मशवरा ना कर लूँ। कहा कर ले अब्बा जान के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर से, अब्बा जान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा आज मांगो, आज तो मौज में आए थे मेरे आका लजपाल करीमा का करम फरमा रहे थे, उन्होंने कहा आज मांगो क्या मांगती हो, तो क्या मांगो सरकार से। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, बेटा जाकर कहना कि अल्लाह तबारक ताला ने आपको तीन तरह का इलम दिया, एक वो जो आम लोगों के लिए, एक वो जो ख़ास लोगों के लिए, एक वो कि जो किसी को नहीं बताना, उसमें से एक चीज़ बता दे, जिसके कम रब ने फरमाया कि किसी को नहीं बताना उसमें से एक बात बता। ठीक है, माशा सदीका रदी अल्लाह ताला सरकार की बात, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने तो तीन तरह का आपको इलम देता है, तो जिसका हुक्म दिया किसी को नहीं बताना उसमें से एक बात बता। मेरे आका खामोश हो जाते हैं, रब का पैगाम आ जाता है, प्यारे महबूब आपको इजाज़त है जिसको चाहे बता दें। आपने फरमाया आयशा एक शख्स, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इतनी तकलीफ दूर करता है जितना कांटा लगता है, अल्लाह ताला उसके बदले में उसे जन्नत अता फरमा देते। इतना जितना कांटा लगता है इतनी तकलीफ दूर, अगर तकलीफ दूर कर देता है ना तो अल्लाह तबारक ताला उसको उसके बदले में जन्नत अता फरमाए। तो जब ये बात सहाबा को पता चली बड़े खुश हुए, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला को बात पता चली तो आप बड़े रोए। सहाबा ने कहा ये तो बड़ी खुशी की बात है। आपने फरमाया तुम एक पहलू को देख रहे हो, दूसरे पहलू को नहीं देख रहे कि अगर किसी की इतनी तकलीफ़ दूर करेगा उसके बदले में जन्नत मिलेगी, तो अगर कोई किसी को इतनी तकलीफ़ देगा उसका क्या बनेगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो दिल तोड़ते हुए तकलीफ़ देते हुए हम परवाह ही नहीं करते, देखते ही नहीं है, एक मिनट से पहले अगले को पता नहीं क्या का कह देते हैं। ठीक है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इखलाक आपका। इखलाक, इखलाक, कोई शक नहीं है इसमें। इलामा साहब इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, इसका तज़करा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फरीद। फरीद, जैसा कि अलामा साहब का कहना था, अलामा साहब बता रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसा नेक अखलाक के बारे में, तो आप उनकी तारीफ में हमें एक नात सुनाएं इंशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश करता हूँ। जी प्लीज। दर्द वालाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बड़ा ही खूबसूरत शेर। जो भी मुझे सरकार के दामन में छुपे, जो भी मुजरिम मेरे सरकार के दामन में छुपे, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं, अर्श वाले उसे जन्नत की सजा देते हैं।
अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक जुनून, अक्ल वालों के नसीबों में कहां ज़ौक जुनून, इश्क वाले इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत शेर समाप्त कीजिए। बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, बंदा बनना है खुदा का तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देता है, जो फकीरों को शहंशाह बना देता है। और अल्लाह अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। याद अश्क बहा लेते हैं, गम के मारे हुए कुछ अश्क बहा लेते हैं, दर्द आलम के मारे हुए क्या दे बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। माशाल्लाह सुभानअल्लाह जज़ाकअल्लाह, बहुत खूब बहुत ज़बरदस्त आवाज़ मोहम्मद फरीद हुसैन। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा वक्फ़ा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे इखलाक़ मुहम्मदी, इखलाक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस उन्वान का, इस मौजू का आज का जो सबसे अहम सवाल है वो इलामा साहब ये है कि जहाँ पर हम नबी के उम्मती हैं, उनके फॉलोअर्स हैं और बेहद प्यार है उनसे, लेकिन अगर हम बात करें उनकी तालीमात की, उनके उन अवामिल की कि जो हमारे लिए एक मशले राह के तौर पे हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहाँ पे उनके अखलाक को हमें कॉपी करना है, उसके अंदर आजकल के दौर में हम बहुत पीछे हैं। बिल्कुल। क्या ऐसे अवामिल, क्या वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हम उन अखलाक तक उनको फॉलो नहीं कर पा रहे और हमने उनकी तालीमात को बहुत पीछे छोड़ दिया जो हमें बहुत आगे लेके जानी चाहिए, जिनके ऊपर कम्प्लीटली फॉलो करना चाहिए, लेकिन आज हम उससे हमने बहुत दूरी अख्तियार की हुई है, वजह बताइए। असल वजह पता क्या, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ चुके हैं जी, असल वजह यही है कि इस्लाम से दूरी है, दीन से दूरी है, दीन की पहचान। असल में उसमें मैं एक चीज़ आपको अपना बताऊँ, हमारे उलमा की भी इसमें काफ़ी गलतियाँ, ठीक है ना। उलमा कहीं तो बहुत सख्त है, ठीक है ना, वो अपने लहजे में इतना कि लोग उससे मुतनफ़र होकर पीछे जा रहे हैं। हमारे अंदर इखलाक इतना आसान होना चाहिए कि जैसे हमारे, मैं कहता हूँ कि हम लोग चले ही तरीक़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलामा साहब, यहाँ पे मैं आपको माजरत के साथ यहाँ पे वो आपकी बात काट रहा हूँ। एक बड़ा अहम और बड़ा इम्पॉर्टेंट जुज़ है कि हम अपने इस्लामी माशरे में देखें तो हम उन तालीमात से बहुत पीछे हो चुके हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर जो है वो इखलाक के दर्जे के ऊपर हद तक आगे चला गया है। जो नबी पाक ने फरमाया वो फॉलोइंग जो है, वो जो उनकी जो प्रीच थी, वो अभी हमें वो वेस्टर्न कल्चर में नज़र आती है। इस्लामिक कल्चर के अंदर ये रवायात ख़त्म होती जा रही हैं, क्या वजह है? वजह यही आपको मैंने बताया कि दीन से दूरी सबसे बड़ी जो चीज़ है। बेशक आजकल हम जो है दीन से हटकर दुनियावी तालीम की तरफ तो तवज्जो बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है ना। हमें कम से कम इतना होना चाहिए कि अपने बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर पढ़ाएँ, और आका नबी करीम सल पहले देखें कि पहले माशरे के अंदर हम पहली या दूसरी के अंदर एक वाक़या पढ़ते होते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर कि जो औरत कूड़ा फेंकती थी, ऐसे ही है ना। तो अब वो चीज़ें ख़त्म आस्ता आस्ता उसमें से निकाली जा रही, वो ख़त्म हो चुकी हैं उसके अंदर। अगर ये चीज़ें शुरू में ही इब्तदा में, याद रखिएगा बच्चा होता है कि वो कच्चे जेन का होता है, जैसे जैसे उसके जेन के अंदर आप डालते जाएंगे वैसे वैसे बनता जाएगा। शुरू में ही इब्तदा में ही हम लोग पता क्या करते हैं कि बच्चों के जेन के अंदर जो है बाहर का कल्चर जो है उसके जेन के अंदर डाल देते हैं, ड्रेसिंग ऐसी वैसी इस तरह, जबकि हमें चाहिए सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वक्त सबसे अहम जो ज़रूरत है दीनी अदारों के अंदर भी और दुनियाई अदारों के अंदर, स्कूल कॉलेज कम से कम घर के अंदर, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ना कोई सुन्नत। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ बड़ी प्यार, मैं बैठा खाना खाने के लिए, अक्सर हम बैठते हैं तो सारे बच्चों को कहते हैं कि आप हाथ धो के बैठे। मैं एक दिन ना वैसे देखने के लिए मैं ना हाथ नहीं धोए बैठ गया, ठीक है ना, मेरा 5-6 साल का बच्चा दा, बाबा आपने हाथ नहीं धोए, पहले हाथ धो लें, ठीक है ना। मैं क्या हाथ क्यों धोते हैं? अब मैंने उसे ये नहीं कहा था कि जम्स होते हैं कि इस वजह से हाथ धोने, मैंने कहा मेरे आका की सुन्नत है। तो उसने मुझे वही जवाब दिया, बाबा ये मेरे आका की सुन्नत है, आप हाथ धो लें। इस वजह से यानी जैसी जैसी हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे वैसे वैसे ही आगे वो चलते जाएंगे, ठीक है ना। शुरू में इब्तदा में हम उनके साथ अक्सर मामलात में, एक चीज़ और भी माजरत के साथ, घरों के अंदर क्या होता है कि घरों के अंदर हमने सारे मामलात होते हैं लेकिन हमने सुन्नत को बहुत पीछे छोड़ दिया, ठीक है ना। एक मिसाल, बच्चा माँ बाप से सीखता, माँ बाप का इखलाक अच्छा होगा ना तो बेटा बाप को देख देख कर उसी तरह नक्शे कदम पर चलेगा, ठीक है ना। माँ को बेटी देख देख कर उसी तरह जैसे मामा चलती है ना। एक मिसाल है, हमारे आपके घर में आप नमाज़ पढ़ते होंगे ना तो आपको अपने बच्चों को नमाज़ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, वो माँ बाप को फॉलो करते हैं,
तो माँ बाप अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक चलाएंगे ना तो वो भी उसी तरह चलेंगे, ठीक है ना। इस दौर के अंदर मैं एक और चीज़ भी आपको बताता चलूँ, इस दौर के अंदर ना हमारी इस्लाम के बारे में ना काफ़ी लोग हम पीछे हो गए हैं। उसकी वजह यही है, बुनियादी चीज़ें कि हम जहाँ से कोई दीन मिलता है वो दीन की तरफ जाते नहीं, दूसरे मामलात के अंदर। यहाँ पे माजरत, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माशरे के अंदर हम ड्रामे या फिल्में या इन चीज़ों को, एक और बंदे को मैंने सुनते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ, उसने कहा जी मेरा आइडियल बाहर के मुल्क का कोई बादशाह था, उसने कहा मेरा आइडियल तो वो है। तो मैंने कहा यार हमारे आइडियल वो नहीं है, हमारे आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी तालीमात। उन्होंने तो कहा यहाँ तक कि किसी किस्म की किसी को तकलीफ ना दो, यहाँ पर तक कि किसी दरख्त को तकलीफ ना दो, ठीक है ना। तो मेरे आका तो माफ कर, मेरा सवाल भी यही था और इसके अंदर मैं इस बात पे जोर भी यही देना चाह रहा था कि उनकी तालीमात को वेस्टर्न कल्चर में आपको गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर मिलता है, उन लोगों में मिलता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ आपको हम पाकिस्तान एक बहुत बड़ी इस्लामी जमहूरिया या अगर दूसरी भी जगहों के ऊपर हम देखें तो हम इससे बहुत दूर हो चुके हैं, लेकिन वो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न लोग जो हैं वो इसको ख़ास तौर पे, मैं इखलाक की अगर बात करूं तो इसके अंदर वो बहुत आगे जा चुके हैं। इलामा साहब, इसी से मुतल्लिक एक जो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना जो चाहूँगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम इस वक्त पाकिस्तान 64% यानी 64% हमारी आबादी के जो हैं वो हमारे नौजवान हैं। अब इन 64% के, ये हमारे लिए खुशकिस्मती भी है, लेकिन इनको एक राइट डायरेक्शन दिखाना, एक प्रॉपर तरीकाकार दिखाना और अपने दीन और दुनिया के साथ भी इनको एफिलिएट करना, ये भी हमारे माशरे और हमारे जो वो इंस्टीट्यूशन या वो इदारे के जो किरदार साजी के अंदर काम करते हैं उनको भी इस तरफ सोचना होगा कि हमने इखलाके मोहम्मदी को किस तरीके से इस नौजवान नस्ल के लिए इनकलकेट करना है या किस तरीके से इस नौजवान नस्ल के अंदर वो हमने आगे इनके अंदर इनको इनमें दिखाना है, इनको उस इखलाके मोहम्मदी की तरफ चलाना है। तो आप मुख्तसरन ये बताइए कि किस तरीके से, कौन से वो इदारे हैं, कौन से वो अवामिल हैं जो नौजवानों की खास तौर पे इखलाके मोहम्मदी की तरफ वो उस्तवार कर सकते हैं, तरबियत कर। इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैं इस वक्त कहूँगा कि जो मीडिया है ना, इस वक्त मीडिया को सबसे बड़ा काम करना चाहिए। मैं एक चीज़ आपको, नौजवान बड़ी खुशी से देखते हैं ये मामला। इलामा साहब, यहाँ पे मैं माजरत के साथ आपको वो जो आपकी बात को काट रहा हूँ, हम यूथ न्यूज़ नेटवर्क यानी जो नौजवानों की हमने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस चीज़ पे फ़ख्र है कि जो पाकिस्तान के 64% नौजवान हैं उनके लिए हम मस्बत खबरें और पाकिस्तान का और इस्लाम का जो एक मस्बत चेहरा है वो दुनिया को दिखाने के लिए, यही हमारा विजन और मिशन है। तो इस हवाले से मेरे ख्याल से आप जरूर हमें, बेशक बेशक, मुझे बड़ी खुशी हुई, यकीन माने बहुत खुशी है इस बात पे कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आप एक मेरे आका की तालीमात को फ़रोग दे रहे हैं और यही असल तालीमात ही यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को जब आप अपनाएंगे तो मैं यकीन माने, मैं वही आपकी बात कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। मैं कहता हूँ मीडिया को कम से कम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर एक प्रोग्राम होना चाहिए रोजाना। वन ऑफ द पिलर जो हमारी इस नौजवान नस्ल के लिए इखलाके मोहम्मदी के लिए एक जो बड़ा जो है वो दे कैन टेक अ स्टेप, उन्होंने वो एक अपना सबसे बड़ी चीज़। देखो जी, हमारा दीन शुरू ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो होता है, ठीक है ना, जो कलमा नहीं पढ़ता वो दीन से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ईसाई की किताब पढ़ रहा था बाद, उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि अगर दुनिया में इखलाक के लिहाज से कोई अहसन हस्ती है तो वो मोहम्मद रसूल अल्लाह, यकीन माने वो देख के मैं हैरान हुआ कि अपने तो अपने बगाने भी, क्योंकि मेरे आका का इखलाक ही इतना प्यारा था, किरदार ही इतना प्यारा था। तो हमें चाहिए ना कि जिनका हम कलमा पढ़ते हैं उनकी सीरत उसी के मुताबिक दुनिया को बताएं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कैसा था, हमारे आका का इखलाक कैसा था, मेरे आका की मेहरबानियाँ कैसी थे, कितने शफीक थे, यानी उनकी सीरत पर कम से कम एक प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन से खास तौर पे मैं आप चीज़ आपको बताता हूँ कि बुनियादी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में,
तो याद रखें कि बच्चा जब शुरू से इब्तदा में अभी 10 साल से लेकर 18 साल की उम्र के अंदर दिमाग उसका अभी जहन कच्चा होता है, और जो जो उस वक्त डाली जाती है ना वो चीज़ें वो मजबूत कर लेते हैं। यानी आपके कहने का मकसद है पहली तालीम, पहली तालीम घर से, ठीक है ना, माँ बाप से, फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज वगैरह, इनके लिए है कि ये ज़रूर इस चीज़ का एहतमाम करें। कम से कम सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल सही है, अखलाक के ऊपर दर्स दिए जाएँ, अखलाक के ऊपर स्पेशल लेक्चर्स अरेंज करवाए जाएँ यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, और ख़ास तौर पे मैं ये समझता हूँ, मेरी एक सजेशन है यहाँ पे कि एक ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे ख़ास तौर पे इखलाक़े मोहम्मदी को सुना जाए, इखलाक़े मोहम्मदी हमारे नौजवानों के अंदर उनको बताया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरीके के एहसन इखलाक थे जो हमारे लिए बेसिकली एक आप समझ लें कि हमारे ज़िंदगी में आगे जाने के लिए हमारा हमें एक हमारा एक रास्ता उस्तवार करने के लिए जो बड़ी अहम किरदार अदा करते हैं, और ख़ास तौर पे इखलाक़े मोहम्मदी ही दर हकीकत इखलाक़े दुनिया और दुनिया आखरत है, तो इसमें कोई शक नहीं। आखिर में मैं दोबारा आऊँगा मोहम्मद फरीद की तरफ। फरीद, प्रोग्राम हम अपना ख़त्म करते हैं, प्रोग्राम इख्तिताम की जाने में, तो आप हमें आखिर में चलते चलते एक नात सुनाइए। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, काश चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, काश वो चेहरा मेरी आँख ने को तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, बातें सुनता सुनता, मैं कभी पूछता मानी उनके आपके सामने असहाब में बैठा होता, आपके के सामने असहाब में बैठा होता, हर से अहरा
سیاہ رات میں سورج ہے حدیث ان کی ارے وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا اور فخری جب مسجد نبوی میں اذانے ہوتی ہوتی فخری جب مسجد نبوی جب مسجد نبوی میں اذانیں ہوتی تو میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا ماشاءاللہ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا آخر میں ایک بہت اہم نقطہ کہ ہمیں اخلاق محمدی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنا ہوگا اس کو ان اخلاق کے اوپر عمل کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ اخلاق جو ان کے امتیوں کو یعنی ہم لوگوں کو اپنانے چاہیے تھے ہم بہت دور ہے اس سے اور جو غیر مسلم ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کے اندر خاص طور پہ میں اگر اخلاق کی بات کروں تو یہ اخلاق بہت نمایاں نظر آتے ہیں ہمارے لیے یہ واقعی لمحہ فکریہ ہے اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پہ میں اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اخلاق محمدی آپ مختلف سوشل میڈیا کے اوپر جائیں بہت بڑے بڑے لیکچرز بہت بڑے بڑی مثالیں بہت بڑی بڑی چیزیں آپ کو مل جائیں گی آپ وہاں سے سیکھیں کتابوں سے سیکھیں اپنے بڑوں سے اپنے ٹیچر سے سیکھیں لیکن ہمارے لیے اصل اخلاق یہی ہیں کل حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ